तो गाइस ये देखिए यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है और सही से तो हमें वहाँ में भी नहीं मालूम, ये यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक नीचे है और ये है चारों तरफ, ये देखिए किस तरीके से। गाइस अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ लुलू मॉल, और ये मॉल भारत का सबसे बड़ा लुलू मॉल है। और फिलहाल हाल ही में कुछ महीनों पहले यानी महीनों पहले योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ इसका उद्घाटन किया था। तो आज मैं आपको यहाँ के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि जिस इसका मालिक कौन है और इसका लुलू मॉल क्यों रखा गया। तो गाइज़ मेरे वीडियो से बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन का घंटी दबा देना। तो चलते हैं फिर आगे, वीडियो से बने रहिए। आज हम लुलू मॉल के मालिक एम ए यूसुफ अली के बारे में बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि इस मॉल का नाम लुलू मॉल कैसे पड़ा। एम ए यूसुफ अली का जन्म 15 नवंबर 1955 को केरला के त्रिशूर जिले में नाटिक्का गांव में एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ। इसके बाद बेंगलोर और तिरुवनंतपुर में सुपरमार्केट खोला गया। लुलू ग्रुप ने उत्तर भारत में सबसे पहला मॉल लखनऊ में खोला है। इस ग्रुप ने करीब 57,000 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। लुलू एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ मोती होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू, ये नीचे का है और ये ऊपर का है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू। काफ़ी पब्लिक है गाइस, बहुत ही पब्लिक है जिसका कोई शुमार नहीं, बहुत ज़्यादा पब्लिक है जिसे हम बता नहीं सकते आपको। और व्यू तो बहुत खूबसूरत है और भीड़ बहुत, काफ़ी भीड़ है गाइस, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पार्किंग के लिए, गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो गाइस हमें ये वो जगह लग रहा है कि यहाँ पर दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, जो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। सेकंड फ्लोर पर जाने का ये रास्ता है, चीज़ यहाँ पर है और भीड़ काफ़ी है गाइस, बहुत ही, अभी बाकी बहुत सारा है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, तो वीडियो से बने रहिए। तो देखिए ये है अंदर का व्यू और अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर, आपको दिखाता हूँ कैसा है अंदर का व्यू। तो चलते हैं फिर अंदर। तो गाइस अंदर आते ही सबसे पहले हमें ये नज़र आया, ये क्या है हमें इसका मतलब मालूम नहीं है। ये देखिए अंदर आते ही, और ये है मॉल का व्यू, काफ़ी खूबसूरत, दुनिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ये देखिए बहुत काफ़ी बड़ा है। और गाइस ये भारत में चार जगह हैं ये लुलू मॉल, जो कि एक उनमें से लखनऊ का है। ये देखिए अभी हम दूसरे जगह पर गाइस, ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ के सामान है। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत बाली है, बहुत ही खूबसूरत है। अब इसकी प्राइस कितनी है ये तो लिखा हुआ नहीं है। ये जो एरिया है ये सब पूरा लेडीज़ का है। ये देखिए गाइस यहाँ पर काफ़ी महंगा है, और ये बाली मैंने जाकर पूछा, इसने तो 475 बताया, एक बाली 475, काफ़ी महंगा है गाइस, इसे कहते हैं काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है यहाँ पर सामान, एक बाली 475 की। तो गाइस अभी हम तीसरे माल पर आ चुके हैं, तो यहाँ का ये व्यू आपको मैं आपको दिखा दूँ, अब इससे ऊपर नहीं है, हम तीसरे माले पर आ चुका हूँ, इसके नीचे दो फ्लोर हैं और हम तीसरे पर अभी जस्ट मौजूद हैं। ये देखिए, और यहाँ का जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए, और अभी मैं जाके थोड़ा अंदर दिखाऊंगा, और अभी मैं हॉल में से आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर के व्यू है और ये अंदर का है। ओ माय गॉड, शायद ये चौथा माला भी है, वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये इससे पता चल रहा है कि ये चौथा फ्लोर भी है। तो गाइस अभी मैं, वैसे तो मैं तीसरे माले पर मौजूद है, तीसरे फ्लोर पर, और यहाँ का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो
ओह माय गॉड, ये क्या है, नीचे हो रहा है। ये नीचे का व्यू है और हम दूसरे साइड से देखते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है और सही से तो हमें भी नहीं मालूम, ये यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक नीचे है और ये है चारों तरफ। ये देखिए किस तरीके से पब्लिक इसके नज़ारे देख रही है इस कंपटीशन की। यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, देखिए ये नीचे का व्यू है और हम हैं नेक्स्ट फ्लोर पर और किस तरीके से पब्लिक यहाँ पर उमड़ी हुई है देखने के लिए। तो ये नीचे का व्यू है और ये भी है काफ़ी खूबसूरत। हम यहाँ से गैस जाते हैं दूसरे साइड। तो ये है गाइस अंदर का व्यू, बहुत काफ़ी सारा ये कपड़ों का है और अभी मैं आपको यहाँ का पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फाइनली मान लें कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दुनिया का नहीं होगा जो यहाँ पर मौजूद नहीं हो। तो गाइस अभी हमने आपको थर्ड फ्लोर भी दिखा दिया और अभी बाकी कुछ रह नहीं गया, तो फिर हम सोच रहे हैं कि अभी हम चलते हैं बाहर और हम यहीं पर वीडियो का भी एंड करते हैं। तो क्योंकि गाड़ी पार्किंग में है और एकदम बाहर का भी आपको नहीं दिखा सकूंगा और क्योंकि गाड़ी अंदर ही पार्किंग है तो अंदर ही बैठकर हम लोग को बाहर निकल जाना पड़ेगा। तो फिर गाइस हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।